हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। रेडी फॉर क्लास? आज की क्लास शुरू करें। यस प्रैक्टिस वगैरह ठीक चल रही है आपकी? लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसमें कुछ कन्फ्यूजन? हम लोग ने प्रैक्टिस किया था इन्वर्जन, और हम लोग सारे स्केल्स प्ले कर रहे थे। वो आपने करके देखा? अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ स्केल बजाइए एकदम से, तो क्या आपको याद आ जाएगा? या जी शार्प स्केल, या डी स्केल? और जब आप कोई भी सॉन्ग प्ले करेंगे तो उसमें कोशिश करना है कि इन्वर्जन यूज़ करें गान कॉर्ड्स के, है ना? हमेशा वो जो फर्स्ट पोजीशन कॉर्ड हमने सीखे थे शुरू में, हमेशा ऐसे ऐसे कॉर्ड चेंज नहीं करना कभी। जैसे सी जी, तो सी के बाद जी का इन्वर्जन लेने का भी सोचना। जैसे ये जी, तो जो भी कॉर्ड आप ऑलरेडी प्ले करते हैं उसमें आप ये यूज़ करेंगे तो इजी रहेगा थोड़ा सा। एकदम नए गाने के साथ स्टार्ट करेंगे तो मुश्किल रहेगा। सर हेलो हाँ अभिषेक जी, आप बोलिए। सर, एक चीज ये पूछना था। अभी इन्वर्जन में क्या हो रहा है? अभी सपोज एक कोई पर्टिकुलर जगह पर है, जैसे कलोना होगा, ठीक हाँ है, तो उसका एफ एक जगह आता है। हाँ तो वहां पर अगर मैं पहले ऑक्टेव से जो सेकंड ऑक्टेव में जैसे ले रहा हूँ मैं, तो वो एक अलग साउंड थोड़ा सा जनरेट करता है, अलग थोड़ा फील। और देन वो इन्वर्जन में जाते हैं तो थोड़ा टोन ऑब्वियसली चेंज होता है। हाँ होता है होता है। हाँ तो वो हम लोग सॉन्ग का फील जैसा सूट कर रहा है वैसा रखना है कि हमें इन्वर्जन यूज करना है कर करना है सकते हैं करना क्या? है मतलब आपको कुछ इन्वर्जन यूज करना पर्टिकुलर है, सपोर्ट? ठीक है, वो करना है, क्योंकि हाँ जब आपको इन्वर्जन की प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ आपका माइक बंद है। हाँ यस सर, ठीक है, मैं फिर वैसे ही करता हूँ। क्योंकि वो थोड़ा साउंड में जैसे विदाउट इन्वर्जन थोड़ा एक अलग साउंड क्रिएट करता है, वो ज्यादा सूट करता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, लेकिन इन्वर्जन में थोड़ा चेंज करता है वो फील। हाँ तो मेरे को इसके लिए लगा कि हाँ, लेकिन आप बोला जैसे तो प्रैक्टिस तो करना ही है उसके लिए। हाँ इन्वर्जन की प्रैक्टिस के लिए हमें उसे करना है। मनीष जी अनम्यूट करिए। एक्चुअली सर वो प्रॉब्लम ही होता है, अभी अभी थोड़ा काफी देखना पड़ता है। जैसे अभी सडनली नॉर्मल अगर एफएसी करने हैं तो वो हो जाता है, लेकिन हाँ इन्वर्जन में बिल्कुल ए सी और एफ के बीच में काफी गैप हो जाता है, तो वो फिंगर पोजीशन काफी देख के करना पड़ता है अभी। तो वो तो है। वो ही प्रैक्टिस है, ऑब्वियसली कर रहे हैं। यस सर, उसके लिए ना पूरा गाना मत करो, ठीक है दो सर, लाइंस कर लो पहले, दो लाइंस थोड़ी ठीक कर लो। पूरा ठीक है गाना सर, आप उठाओगे इन्वर्जन के श्योर साथ सर, तो श्योर, थैंक मुश्किल होगा। यू। मुश्किल है सर थोड़ा सा, अभी इस स्टेज पे मुश्किल है, थोड़ा सा लेटर स्टेज में शायद कर सकेंगे हम लोग। मुझे मतलब मैं अपना केस बता रहा हूँ। यस सर, मनीष जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर, गुड इवनिंग। अच्छा सर, मैं लास्ट क्लास में नहीं था, तो व्हाट्सएप पे जो आपने वीडियो भेजा था तो वो देखा था मैंने। तो इन्वर्जन बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर मैं कोई कॉर्ड प्ले कर रहा हूँ, उसका कोई भी एक नोट मैं नॉर्मल कॉर्ड की बजाय थोड़ा हायर या लोअर पे प्ले करूंगा, राइट हाँ राइट। अब आपने जैसे अभी बोला क्लास में कि मैं जो है जी शार्प बजाऊं, तो मैंने अभी ट्राई किया, लेकिन जो जी शार्प का जो लास्ट नोट है, जो थर्ड नोट होता है कॉर्ड का, तो हायर ऑक्टेव पे वो थोड़ा सा दूर दूर है सर। हाँ तो मैं उसी हाथ की बजाय आई विल हैव टू यूज वो बोथ हैंड्स। तो मैं कह रहा था लेफ्ट हैंड से ही तीनों नोट्स प्ले करना वो थोड़ा सा टफ हो जा रहा है।
लेफ्ट हैंड से ही आपको तीनों नोट्स करने हैं। थोड़ी सी, अच्छा हाँ थोड़ी सी हैंड पोजीशन सेट करेंगे, है ओके ना? तो या तो आप ये रखो 5-3-1, या जैसे ये इन्वर्जन है, जैसे ये इन्वर्जन है, तो इसमें कुछ चेंज भी कर सकते हो, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अभी देखो मैं ओके 4-2-1 ले रहा हूँ, 4-2-1, ये तो लगभग 5-3-1 और 4-2-1 में सारे इन्वर्जन कवर हो जाते हैं। ओके सर बजाना लेकिन एक ही हैंड से, ओके ठीक है? तो अभी आज का लेसन शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कॉम्पिंग। सबसे पहले देखिए, इसको बजाने के कई सारे तरीके होते हैं, कीबोर्ड प्ले करने के, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तो सबसे जो पॉपुलर टेक्निक है वो है कि इधर एक कॉर्ड बज रहा होता है लेफ्ट हैंड में, और इधर गाना बज रहा होता है आपका राइट हैंड में, या हल्का फुल्का ऐसे कुछ पैटर्न चल रहा होता है और इधर गाना बज रहा होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लेफ्ट हैंड से एक बेस गिटार जैसा पैटर्न प्ले करना पड़ता है हमें, जैसे लेफ्ट हैंड से ये नहीं बजा रहा हूँ, ये ऐसे करके नहीं बजा रहा, कॉर्ड या कोई ऐसा कुछ नहीं प्ले कर रहा, एक अलग ही टेक्निक चल रही है, ठीक है? या फिर जैसे ये गाना है, हमें कुछ ऐसा बजाना होता है, उसको बोलते हैं बेस नोट्स। जैसे आप देखो हैवी नोट्स हैं, तो ये जो प्लेइंग होती है ये ज्यादातर बेस गिटार में यूज होती है, तो इसको बोलते हैं, जो आज हम टेक्निक प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं वॉकिंग बेस। जो बेस है वो ऐसे एक एक नोट बजा रहा है, और राइट हैंड में हम खाली कॉर्ड बजा रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं ये गाना, यही गाना गा रहा हूं, ये आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, ठीक है? तो ये जो टेक्निक है, अभी मैं राइट लेफ्ट हैंड से डिंग 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 अलग अलग नोट्स बजा रहा हूँ, और राइट हैंड से मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। तो ये जो राइट हैंड से कॉर्ड बज रहे हैं बीच बीच में, इसको बोलते हैं कॉम्पिंग, इस टाइप का, ठीक है? तो उसकी एक एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस करेंगे, उसको उसका नाम है माइनर ब्लूज, लेफ्ट हैंड वॉकिंग बेस एंड राइट हैंड कॉम्पिंग। तो पहले मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ आज का हमारा टारगेट क्या है, आज की एक्सरसाइज क्या है। देखिए ऐसे बजाना है, बस इतना ही है। एक बार फिर से देखिए, ए माइनर कॉर्ड, डी माइनर कॉर्ड, बैक टू ए माइनर कॉर्ड, ई मेजर, डी माइनर। इसके अंदर तीन कॉर्ड्स हैं, एक तो ए माइनर यूज हो रहा है, एक डी माइनर यूज हो रहा है, और एक ई मेजर यूज हो रहा है, ठीक है? और लेफ्ट हैंड में
चार नोट का पैटर्न है, जैसे ए माइनर कॉर्ड है तो ए माइनर का पहला नोट, ए माइनर का दूसरा नोट, और फिर उनके बीच का एक नोट, और फिर अगला वाला नोट। सरगम में बोलेंगे तो सा गा मा पा सा, यही रिपीट होता जाएगा सा गा मा पा ए सी। तो आप एक बार मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर लीजिए, ये मेन इसका पैटर्न है। लेफ्ट हैंड को ऐसे रख के 5 3 2 1, फिंगर नंबर 5 3 2 1, 5 3 2 1, 5 3 2 1, 5 3 2 1, यही चलता रहेगा। डी माइनर आएगा तो सेम चीज डी माइनर पे चली जाएगी, 5 3 2 1, ई मेजर पे जाएगा तो फिर वही सेम पैटर्न, फिर हमें क्या करना है राइट हैंड में इस ये जो चार चार बीट चल रही है आपकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच बीच में हमें दो बार राइट हैंड को हिट करना है, 1 2 3 4, 1 2 3, तो बस वही देखना है कहां पे हिट करना है ए माइनर कॉर्ड। तो अब इसी चीज को एक बार पेपर पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए ये मैंने ग्रुप में भेजा है, आप इसको अपने सामने रखना जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, हर बॉक्स में लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों है, ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, और ये जो तीनों है ये मिला के राइट हैंड है आपका, ये आप नोट कर लो, ये राइट हैंड चल रहा है आपका, ठीक है। वो जो कॉर्ड है उसी को हमने ऐसे, ये मतलब ये कॉर्ड है एक ए माइनर ए माइनर ए माइनर ए माइनर, ठीक है। तो पहली चीज आप नोट करो कि ये लाइनें हैं, ये बॉक्सेस जो दिख रहे हैं, ये एक लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन है, फिर ये तीसरी, टोटल तीन लाइनें हैं इधर, 12 बार्स हैं इसके अंदर। तो अब आप नोट करेंगे कि लेफ्ट हैंड में ए सी डी ई, अगेन सेम ए सी डी ई, सेम सेम, ठीक है, पूरी लाइन में सेम है, यानी चार बार हमें बजाना है ए सी डी ई, ए सी डी ई, ए सी डी ई। तो पहले हम फर्स्ट लाइन पे काम करेंगे, और ये जो है ये तीनों नोट एक साथ दबाने हैं राइट हैंड में, ये तीनों एक साथ, ये ए माइनर कॉर्ड है, ये सारा ये सब ए माइनर कॉर्ड है, एक ही कॉर्ड। तो बेसिकली ये वाली जो बार है यही सेम सेम सेम। अब सबसे जरूरी चीज है, ध्यान से सुनिए, इसको कहाँ दबाना है। जैसे आपका चल रहा है 1 2, ये तीन चार मात्राएं चल रही हैं बीट्स, तो पहला कॉर्ड आपका दबेगा 1 और 2 के बीच में, यानी आप पहले ए बजाएंगे, फिर कॉर्ड बजाएंगे, फिर सी बजाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड के ए और सी के बीच में कॉर्ड बजाना है ऐसे, लेफ्ट राइट लेफ्ट, और ये वाला जो कॉर्ड है ये हम लेफ्ट के तीसरा नोट यानी डी के ऊपर बजाएंगे बिल्कुल साथ में। ये पोजीशन आप एकदम सही से समझ लेंगे, पहला कॉर्ड ए और सी के बीच में, 1 और 2 के बीच में लेफ्ट हैंड का, और सेकेंड राइट हैंड कॉर्ड 3 पे। तो ये जो है इसको हम 1 and 2 3 4, तो एंड का यूज करेंगे आधी मात्रा को गिनने के लिए, जैसे 1 and 2 3 4, 1 and 2 3 4, 1 and 2, 1 पे ए लेफ्ट हैंड, एंड पे कॉर्ड, 2 पे लेफ्ट हैंड सी, फिर 3 पे कॉर्ड और लेफ्ट हैंड दोनों, और 4 पे लेफ्ट हैंड। अभी इसको हम कीबोर्ड पे करके देखते हैं। 1, देखिए पहले तो 1 2 3 4, 1 and 2 3 4, 1 पे क्या बजाना है ए माइनर कॉर्ड, सॉरी 1 एंड पे, 1 एंड,
one and two, उसके बाद three पे फिर से chord, three और ये four. धीरे धीरे आप मेरे साथ करो, फिर उसको हम फास्ट करेंगे. लेफ्ट राइट लेफ्ट दोनों लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट बोथ लेफ्ट. तो ऐसे अपने लेफ्ट हैंड भी ए माइनर पे रखेंगे, राइट हैंड भी ए माइनर पे रखेंगे. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, ठीक है. वन एंड टू, पहले इतना ही करेंगे, वन एंड टू, बस इसको ही समझना है. वन एंड टू, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर ये दोनों एक साथ, थ्री और फोर खाली. इसी को जब आप बढ़ाएंगे तो ऐसा हो जाएगा. अब आप इसको ट्राई करो, ये थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, और आप मेरे को बताओ क्या क्या डिफिकल्टीज आपको आ रही है. अगर बज रहा है तो फिर आप प्ले करके सुनाएंगे. हाँ दुलाल जी, हो गया आपका? सर बोल रहे थे. नमस्ते हाँ जी, सर, बोल रहे थे ये राइट हैंड का सर कोड फिंगरिंग नंबर पूछ रहे थे. जो मर्जी रखो हैंड पोजीशन, ए माइनर बजाना है. अभी इस वाले में फिंगरिंग लेफ्ट हैंड में ज्यादा जरूरी, लेफ्ट में बस आप ये रखो 5 3 2 1 ये जरूरी है. राइट को ऐसे बजा लो, ऐसे बजा लो, ऐसे बजा लो, कैसे ही बजा लो. प्रैक्टिस सर, वन वन एंड टू थ्री फोर ऐसे करना है. हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करना है, वन एंड टू थ्री फोर, वन एंड टू थ्री. एक बार ट्राई करते हैं सर, देखिए हम तब हाँ, से कर रहे हैं. करिए एक सेकंड. हाँ 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 बिल्कुल सही कर रहे हो आप. फर्स्ट लाइन आपकी हो गई, आप सेकंड लाइन भी ट्राई करो. सेकेंड सर. और कौन सुनाएंगे? आप एक बार सुनाओ, फिर पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसको ठीक करते हैं. मुग्धा जी अनम्यूट करिए. आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैं एक बार फिर से फर्स्ट लाइन दिखा रहा हूं, देखो इसकी. अब बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है, ठीक है. ये जो आपका लेफ्ट हैंड है ना, ये काउंटिंग बन जाए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार. और आपको बहुत ध्यान से ये जो आपका कॉर्ड है उसको एक और दो के बीच में हिट करना है. एक दो, पहले इसको देखो आप, एक दो तीन, और तीन पे हिट करना है. तीन मतलब ये डी और ये कॉर्ड साथ में, थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू
थोड़ा स्लो करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 में साथ में और 4, फिर उसको बढ़ा देना है। सर्वदक्ष जी अनम्यूट करिए। वेरी गुड, सेकंड लाइन भी ट्राई करो, सेकंड लाइन भी ट्राई करो। अब इसमें बहुत इजी है आपका, और भी इजी हो जाएगा। देखिए इसमें तीन कॉर्ड है मैंने आपको बताया, तो आप ऐसे अपनी शीट पे लिख लो कि ये जो बार है ये ए माइनर पे बेस्ड है, ये भी ए माइनर पे बेस्ड है, ये भी ए माइनर पे है, और ये भी ए माइनर पे आधारित है, और ये भी ए माइनर लिखते तो ए और स्मॉल एम ऐसे लिख देते ए एम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितनी भी बार्स आपको दिख रही हैं, टोटल कितनी है, 8 बार्स हैं, ये सब एक ही है, सेम ही है। आपको बार बार प्रैक्टिस नहीं करना वो, ठीक है। उसके बाद आपका ये है डी माइनर पे आधारित ये, और आपका ये है ई मेजर, ठीक है, और ये भी डी माइनर। तो ये एक पैटर्न है, इसके अंदर है तो तीन ही कॉर्ड बस, ज्यादा तो आधे से ज्यादा तो ए माइनर ही है। उसके बाद तीन जगह डी माइनर है, वो भी सेम है, और फिर एक खाली एक ई मेजर है। तो ऐसा लिखने से आपको बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, आप बस तीन पोजीशंस प्रैक्टिस कर लो, ए डी एंड ई, ए और डी माइनर, ई मेजर। तो अब हम इसकी सेकेंड लाइन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये वाली लाइन प्रैक्टिस करेंगे। तो अब इसमें क्या प्रैक्टिस करेंगे, पहले दो बार तो डी माइनर, उसके बाद ए माइनर, दो डी माइनर दो ए माइनर, तो हमारी सेकंड लाइन हो जाएगी। अब इसको देखते हैं एक बार। अब देखिए ए, पहले मैं फर्स्ट लाइन बजा रहा हूं, अब डी के लिए अगली लाइन में डी है, तो आपके दोनों हैंड्स ऐसे डी पे चले जाएंगे ऊपर इस साइड, ठीक है, यहाँ पे ए, ऐसे दोनों डी पे आ गए। फिर सेम चीज डी पे बजेगी, दो रिपीट्स, 1 and 2 3 4, दो बार, फिर वापस ए पे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा। वही हिट जो करना है कॉर्ड को, वही करना है जहां पे हमने पहले किया था, 1 and 2 3 4, 1 and 2 3 4। अब आप ये ट्राई करो, और कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे को बताओ। इसमें एक चीज होती है, उसको बोलते हैं कंट्रोल, जो जब आप एडवांस पियानो प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कंट्रोल होता है कि आप जो बजाना चाह रहे हैं आपका हाथ वही बजाए, वो ना बजाए जो आप नहीं बजाना चाह रहे। तो उसके लिए आप अपने राइट हैंड को बोलो कि 2 and पे हिट करो, 2 और 1 और 2 के बीच में, 1 and पे, 1 and, तो वो 1 अगर 1 पे कर रहा है, 2 पे कर रहा है, तो मतलब अभी आपका कंट्रोल नहीं है हैंड पे। आप अपने हैंड को कंट्रोल करो, धीरे 1 and 2 और 3 पे मारना है, 3 1 and 2 3 4, 1 and 2 3, तब वो रिदम बनेगी, 1 and 2 3 4, 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 1 and 2 3 4,
फर्स्ट लाइन पूरी ए माइनर 4 बार, सेकंड लाइन 2 बार डी 2 बार ए, ये आपको याद करना है। ये याद हो जाएगा तो आराम से पूरा पीस बच जाएगा। जब किसी सॉन्ग के साथ आप प्ले करेंगे ना, जैसे कोई गा रहा है या आप खुद ही गा रहे हैं और बजा रहे हैं, तब ये ज़्यादा टेक्निक यूज़ होती है। या आपने कुछ रिकॉर्ड किया गाना, उसमें आपको पियानो डालना है, कीबोर्ड डालना है, उसमें ये टेक्निक ज़्यादा ज़्यादा काम आती है। क्योंकि आप देखो, इसमें मेलोडी, मेन मेलोडी कहीं पे भी नहीं है। कौन सुनाएंगे, वन लाइन, हाफ या एक बार? कभी कभी फर्स्ट बार करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है इसका। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी को? मुग्धा जी आप अनम्यूट करिए, आपका साउंड नहीं आ रहा था पहले, अभी भी नहीं आ रहा लग रहा है। एक बार आप प्ले करो। ठीक है ठीक है, आवाज नहीं आ रही, लेकिन वो देख के मैंने देख लिया, ठीक कर रहे हो आप, आवाज नहीं आ रही, लेकिन कुछ शायद ज्वाइन ऑडियो में कुछ गड़बड़ है। इधर से तो ठीक है। और कौन सुनाएंगे? डैनियल, डैनियल जी आप सुनाइए, गिरीश जी आप भी सुनाइए, अभिषेक जी आप ट्राई करिए। सर थोड़ा ना टाइमिंग मुझे ऑफ लग रहा है, मतलब मेरे थोड़ा आप सुनिए तो शायद सुनाओ आप। सुनाओ। हाँ हाँ ये टाइमिंग ऑफ थोड़ा है। टाइमिंग ऑफ। हाँ, क्योंकि जब भी हम एक बीट के अंदर बजाते हैं ना, जैसे वन एंड टू ऐसे चल रहा है ना इधर, वन एंड टू हाँ जैसे वन एंड तो थोड़ा टू ऑफ थ्री, चल तो रहा है। जब भी ऐसा करना है एक मात्रा में दो, तो हमें वो स्पीड भी बढ़ानी है वहाँ पे। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका वन यहाँ आ रहा है, एंड यहाँ आ रहा है, टू थ्री फोर ऐसे हो रहा है, तो वो पाँच हो जा रहा है। पांच हो रहा है वो। हाँ, ओके जब भी हम एक बीट के अंदर कुछ करेंगे, दो नोट चार नोट, तो वो उतना ही श्रिंक भी हो जाएगा, वो टाइम श्रिंक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए टाइमिंग आप ठीक हो गया। 1 सेकंड में ये बजा रहे हैं, दूसरे सेकंड में ये, तीसरे सेकंड में ये, तो आपको इसको आधा सेकंड देना है, इसको आधा सेकंड देना है, फिफ्टी ठीक है परसेंट सर। फिफ्टी परसेंट ओके सर ठीक इसका ध्यान रखना है आपको। है ठीक। तो वो जो स्लो हो रहा है ना ऐसे, ऐसे हो रहा ना, तो उसको थोड़ा आप पहले, ये जो आपका लेफ्ट हैंड है, ये हमारा रेफरेंस है, मतलब लेफ्ट ठीक हैंड को लूज नहीं करना है। एक दो तीन चार, एक दो, इसको हिलाए बिना, इसके इसको हिलाए बिना इसमें राइट हैंड ऐड करना है। अपने अपने कन्वेंस के हिसाब से स्लो नहीं करना, स्पीड नहीं टेम्पो नहीं वही नहीं रखना है नहीं हमें उसमें भी। हाँ, अपनी जो वन टू कन्वीनियंस के थ्री फोर हिसाब का से स्लो नहीं काउंट है करना। वो, हाँ तो वन टू थ्री फोर का जो काउंट है वो कंसिस्टेंट रखे, उसके बीच में जो फील करना है हमें। हाँ, नॉट ओनली इन दिस सॉन्ग, इन एवरी सॉन्ग।
यस सर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक गाना, कोई गाना ऐसे है जैसे जब जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि उसको हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब कोई बात जाए ऐसे नहीं कर सकते, हमें उसको फॉलो करना है, वो सॉन्ग को अपने हिसाब से नहीं टेढ़ा करना है। प्रैक्टिस में कर सकते ठीक है। हैं, प्रैक्टिस करते टाइम स्लो कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको वहीं लाना है। अभी एक बार हम इसका थर्ड लाइन भी प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड लाइन का जो फॉर्म, जो कॉर्ड है वो है ई डी ए ए, ई मेजर, डी माइनर, ए माइनर, ए माइनर। तो ये डी माइनर वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये ए माइनर, ये सब वही है जो हम कर चुके हैं। तो ई डी ए ए, ई डी ए ए ये करते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम ए माइनर हमारा यहाँ था, फिर डी यहाँ आ गया, और एक पॉइंट ऊपर जाएंगे तो ई मेजर आ जाएगा ऐसे। अब ई मेजर है तो हमको, हम बजाएंगे ई डी जी शार्प ए बी, ये नोट्स होंगे हमारे, ई जी शार्प ए बी, 1 2 3 4, 1 2 3, इस पे बिठाना है उसको, 1 and 2 3 4, 1 and 2 3 4, 1 and 2 3। जब भी किसी सॉन्ग में 1 and 2 आएगा तो उसकी स्पीड ऐसी ही होगी जैसी अभी हमारी है, और ये हमें एक ही बार बजाना है। उसके बाद हमें डी माइनर पे चले जाना वापस, और फिर वापस दो बार ए। तो आपकी जो थर्ड लाइन है वो हो जाएगी, अब देखिए मैं पूरा फिर से सुना रहा हूं स्टार्टिंग से। से आना चाहिए आपका, ठीक है? तो इसको बेसिक स्टूडेंट कैसे प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले ओनली वन बार आप अपना टारगेट रखेंगे, पहले खाली एक बार को ही हमें बार बार बजाना है, ओनली दिस, पूरा समझ के 1 and 2 3 4, उसी को बार बार आप बजाओ, या आप ये पूरी लाइन वो सेम ही है, चार चार बार, 8 बार इसी को बजाते रहो। जब उसके रिदम आपको समझ में आ जाए फिर आप आगे जाओ, नेक्स्ट टारगेट आप लो कि चलो सेकंड लाइन का ये दोनों करके देखते हैं, इतना बस। ऐसे तो एक एक धीरे धीरे ब्रिक प्रैक्टिस, एक एक ईंट लगा के पूरी दीवार बनानी है। एनी कंफ्यूजन? जैसे कोई फास्ट गाना चलता है ना, जैसे ये गाना है, गुलाम उसमें इन इनमें ये सब काम आता है।
मनीष सर, ये अगर मेट्रोनॉम 70 पे मैं ट्राई कर रहा था, हाँ हाँ द फर्स्ट वन, तो लाइक ये अगर स्पीड है नॉर्मल, मेट्रोनॉम 70 रहे, हाँ इतनी बीट मैच कर रहा हूँ, हाँ 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 इसके बीच में वन और टू के बीच में राइट हैंड हिट करो, तो बीच में ऐसा वो सेकंड ऐसा तभी प्रैक्टिस हो गया सर, ऐसा थोड़ा वन राइट हैंड जो है ना, वन वो राइट हैंड आपका देखो टक 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 टक, चार बार आएगा टक 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 टक, यस सर, हाँ तो पहले और दूसरे टक के बीच में बजाना है, टक बीच में बजाना, टक टक ऐसा, हाँ टक टक ओके, टक, ऐसे नहीं टक टक, और कॉर्ड एक साथ नहीं आएगा, पहला वाला आपका हाँ ठीक है, वो सेकंड जो कॉर्ड साथ में आएगा। यस यस ठीक है, गॉट इट, अब आप वो देखो ट्राई करो धीरे और से वो, आपको, हाँ हाँ फिर ये 70 से धीरे, जैसे फर्स्ट 70 में परफेक्ट हो गया, देन 80 90 ऐसे लिखिए, ठीक मुझे है, लग रहा है आपको और स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि ना और आपको वो स्पेस नहीं दिख रहा अभी। हाँ सर टक थोड़ा सा और, ये 60 पे रखा है सर, हाँ वन टू ऐसे बोल के ना खाली पहला कॉर्ड बजाओ, वन वन टू टू, वन टू। ओके सर ठीक है, वेस्टर्न म्यूजिक में जो खाली जगह होती है ना उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, दो नोट के बीच में जो खाली जगह है उसकी बहुत वैल्यू है, तो शुरू शुरू में स्टूडेंट को वो सुर तो दिख समझ में आता है क्योंकि उसकी आवाज आती है, खाली जगह समझ में नहीं आती क्योंकि खाली जगह की आवाज ही नहीं आती है, समझ में नहीं आता क्या है, तो उसको वो टाइम है एक्चुअली। उसको नापना होता है, उसी उसी के लिए बीट्स होती हैं, खाली स्पेस को नापने के लिए। अब देखिए इसमें आपको ना एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसकी रिदम को थोड़ा सा चेंज करना है हमें। देखिए जब आपका प्रैक्टिस हो जाए तो इसको अभी प्रैक्टिस हम ऐसे करते हैं, वन एंड टू थ्री फोर, वन एंड टू थ्री फोर, वन एंड टू थ्री फोर, वन एंड टू, सीधा सीधा। लेकिन जब हम इसको सीख जाते हैं तो हम इसकी बीट को थोड़ा चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं स्विंग, जब हम इसको चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं स्विंग, तो वो जो स्विंग है वो उसकी रिदम ऐसे है, ध्यान से देखो थोड़ा अंतर आपको समझ में आएगा, पहला वाला है ये सीधा है, लेकिन जो स्विंग है वो थोड़ा सा झूल के आ रहा है, ठीक है, स्लो में बजा दूं, देखो रम्बा पा 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 ता 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 डंग 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 डंग, ऐसे नहीं है टंग टंग डंग 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 डंग, ऐसे नहीं है सीधा सीधा, थोड़ा स्विंग करके है, तो स्विंग में अगर बजाएंगे तो और भी अच्छा है। अब आप प्रैक्टिस करो जितना भी आपका हो रहा है, एक बार या एक लाइन या दो लाइन या पूरा जितना भी हो गया मेरे को आप सुनाओ एक बार। सर्वदश आपका हो गया? यस सर, हाँ सुनाओ एक बार।
हाँ वेरी गुड, आप स्विंग में बजा रहे हो, बिल्कुल सही, ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखिए जब आपका ये हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे आ जाना है और ये सेकंड नंबर ट्राई करना है। अभी जो हम कर रहे थे वो ये रिदम थी, हम ए कॉर्ड को इस पे बजा रहे थे और इस पे बजा रहे थे, है ना। अब लेफ्ट हैंड वही रहेगा लेकिन ए कॉर्ड को टू पे बजाना है और सेकंड कॉर्ड को थ्री एंड फोर के बीच में बजाना है। ठीक है, जिनका फर्स्ट वाला हो गया है वो कॉर्ड की पोजीशन प्लेसमेंट चेंज करेंगे, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर, लेफ्ट हैंड वही रहेगा। और ये भी ट्राई कर सकते हैं बाद में, वन ये वही है थ्री एंड फोर, तो मैं आपको दोनों सुना रहा हूं। सेकंड वेरिएशन वन टू थ्री एंड फोर, वन थ्री एंड फोर, वन टू, तो आपको एक अलग रिदम मिलेगी जब आप इसको थोड़ा फ्लो में बजाएंगे। और थर्ड वेरिएशन वन वन पे, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर, वन, तो यहां पे म्यूजिक का जो एक साइंटिफिक क्या बोलते हैं उसको रूप है वो हमें नज़र आता है मैथमेटिक्स के। हमने इन ऐसे एक दो तीन चार लेफ्ट हैंड लिखा और हमने खुद से बना दिया कि चलो एक कॉर्ड यहाँ बजाते हैं, एक कॉर्ड यहाँ बजाते हैं, या एक दो तीन चार, कभी एक कॉर्ड चलो यहाँ और यहाँ बजा के, कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाना है सिंपल, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। और आप आपको बजा के देखना है, लेफ्ट हैंड वही रखना है, ए सी ई, क्या था, ए सी डी ई, डी ई, लेफ्ट हैंड वही रखना है, राइट हैंड का प्लेसमेंट चेंज कर देनी है। तो आपको दिखेगा कि ये आप खुद भी कर सकते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये जो दो है ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए दिए, राइट हैंड कॉर्ड ऑन दिस एंड दिस बीट, लेफ्ट हैंड वही रहेगा। और आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओ और देखो कैसी रिदम मिलती है, सबसे अच्छी रिदम कौन सी मिलती है आपको। इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ पूछना है, ये जो अभी आज हमने किया कुछ समझ नहीं आया हो आपको तो बताइए। अब ये आपको प्रैक्टिस करके एक दो दिन में इसको सेट कर लेना है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट लाइव क्लास आप मिस ना करें क्योंकि बहुत ज़रूरी क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ईयर ट्रेनिंग, तो उसमें लाइव क्लास में अगर आप होंगे तो अच्छी, बहुत अच्छी बात है। वो रिकॉर्डिंग देखने से उतना अच्छा नहीं होगा वो। दुलाल जी अनम्यूट करिए। जी सर, सर ये 10 क्लास हो गई मेरी। हाँ हाँ तो मतलब सर
सात क्लास का तो मैं बहुत अच्छा तक बजा लेता हूँ, अच्छा बट आप रोज बोलते हो कि सर ये गाने में प्रैक्टिस करें तो बट सर गाना नहीं बजा पाते हैं, वो चीज में पूछ रहा था गाना नहीं बजा पा रहे हैं। ना। और अच्छा, ऐसे मैं सर 2 महीना पहले ही कीबोर्ड भेजा हूँ, ऐसे मैं बहुत दिन से भी प्ले नहीं कर रहा हूँ। 2 महीने के हिसाब से तो बहुत अच्छा बजा रहे हो आप। सर अभी हाँ, तो हाल ही में कोलकाता से लिया हूँ सर, 2 महीने और के हिसाब आपसे से तो पूछ बहुत के अच्छा ही बजा आओ रहे हो। आपका नाम मेरे पहले आप नहीं बजाते थे बिल्कुल। ना। बिल्कुल नहीं सर, मतलब आप जो सी डी एफ ई एफ जी बता रहे वही से मेरा शुरुआत है, हम कहीं क्लास अरे भी नहीं किए। आप तो बढ़िया बजा रहे हो फिर। तो सर मतलब मेरा मेहनत बहुत करते हैं सर, रोज मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि रात को 10-10 बजे उठ जाते हैं और प्रैक्टिस में लग जाते हैं, रियली बढ़िया बता रहे बढ़िया हैं, बट लगे बढ़िया। लगे रहते हैं। 4-5 साल में बढ़िया हो जाएगा आपका। अभी उम्र भी कुछ नहीं हुआ सर, अभी तो 22-23 साल। अभी तो देखो, जब तक शादी नहीं करोगे ना, उम्र बढ़िया रहेगी। अच्छा जैसे ही शादी करोगे। मेरा शादी हो गया सर। अच्छा, फिर भी बढ़िया है। तो आप तो यार बड़े बढ़िया महान देखा इंसान हो फिर तो। शादी के बाद भी भाई उम्र बढ़िया। हाल ही में शादी हुआ सर। अरे शादी के बाद भी मुस्कुरा रहे हो, आपको तो ज्ञान देना चाहिए लोगों को। तो एक्चुअल में सर बाबा जी से अभी आरती जो वगैरह बजाते हैं, कल होना हो मैं बजा लेते, बहुत अच्छा से लगता है कि कोई कलाकार बजा रहा है, बट दूसरा अच्छा, गाना हम नहीं बजा पाते हैं मतलब। वो अच्छा, अब मैं समझा आप क्या कह रहे हो। नया गाना कोई सीखना हाँ है, उसमें हाँ नॉर्मली 2 से 3-4 साल लगते हैं उसको पकड़ने में। जैसे कोई आपने गाना सुना और बजा दिया, और 2-4 साल आप प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन अचानक से कुछ सुर पकड़ में आ जाएंगे आपके। लेकिन हाँ, अच्छा ये है कि लेसन प्रैक्टिस करते रहो, जो आपके टीचर सिखा रहे हो लेसन प्रैक्टिस करते रहो, वो मत छोड़ो। ठीक है सर, ठीक है वो तो आपकी वो है सर, उसमें टाइम आपकी लगता है, उसमें टाइम लगता है। ठीक है सर। अभिषेक जी, अनम्यूट करिए जी। नहीं सर, ये ना जैसे अभी कल होना हो का प्रैक्टिस तो बैकग्राउंड में चालू है, लेकिन जो उसका लिटिल फिंगर है तो टाइमिंग सर, वो उसके स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो मतलब जो आपने प्रैक्टिस कराया है वही कंटिन्यू करें, कुछ और भी? जैसे अभी प्रॉब्लम क्या होता है स्टार्टिंग में, अगर तो देखो ये दो, हाँ मैं समझ गया। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहला, सबसे पहली चीज़, आप फिफ्थ फिंगर को अवॉइड कर दो। जब आप कल हो ना हो बजा रहे हैं, फिफ्थ फिंगर का यूज़ मत करो, ठीक है? बाकी चीज़ों में करो, जैसे स्केल बजा रहे हैं, एक्सरसाइज, या जैसे ये किया हमने, उस गाने में अवॉइड कर दो उसको। वो थोड़ा सा टाइमिंग उसका ऑफ हो जाता है सर, ये फिफ्थ फिंगर का टाइमिंग थोड़ा सा। ऑफ ही होता है, क्योंकि ना ये जो हमारा हाथ है, हाँ सर, इसमें इन फिंगर्स की मसल अलग होती है, यहाँ इन दोनों का ना एक ही होता है। यस तो ये जो 2 फिंगर है, ये हमेशा हमारी कमजोरी रहेंगी रिलेटिवली, आप समझ रहे हैं? जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ओवरऑल जैसे मान लीजिए अभी आपकी स्पीड 10 किलोमीटर है बजाने की, तो धीरे धीरे 100 किलोमीटर हो जाएगी, लेकिन तब भी ये जो दो हैं इनकी आपकी 70 किलोमीटर ही रहेगी, ओके, आप समझ रहे हैं? ये रिलेटिव हाँ इनसे हमेशा नीचे ही रहेगी ये दोनों, थोड़ा सा, ओके। ठीक है? तो गाने की अगर लय आपको ठीक करनी है, तो आप उसको कुछ और कर दो, ऐसे कर दो। क्योंकि ना अभी आपके लेवल पे लय ठीक करना, ताल ठीक करना ज्यादा जरूरी है ना? क्योंकि पहले आपको बजाना है, एंजॉय करना है पहले, धीरे धीरे फिर उसको ऐड करना शुरू करो, बाकी चीजें भी प्रैक्टिस करते रहो। जैसे ये एक्सरसाइज हमने करी थी जिसमें पांचों फिंगर यूज होते हैं, तो ऐसी चीजें जिसमें फिफ्थ फिंगर का यूज होता है, वो कंट्रोल आएगा, वो कंट्रोल होता है, थोड़ा ऑफ प्रॉब्लम ऑफ, हाँ करता सर, है। वो हाँ, वो वो मतलब वो नॉर्मल, हिट होना चाहिए, वो टाइमिंग मिस हो जाता है, फिर इधर थोड़ा सा चले जाता है वो, हाँ वो नॉर्मल, वो होता ही है स्टार्टिंग में। क्योंकि जो हमारे पास रिटर्न आपने जो दिया था उसके हिसाब से थर्ड फिंगर से वो सी पे हिट होना चाहिए हाँ उसमें फिफ्थ फिंगर आएगी। हाँ था। तो राइट हैंड से जब होता है तो ठीक है, मतलब एक हाथ से, लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड इंक्लूड करते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आता है। हाँ ये थोड़ा सा ठीक है सर, वो वाला प्रैक्टिस करता हूँ मैं। यस सर।
ठीक है। और जैसे अभी अभिषेक जी ने बोला ना कि इसमें प्रॉब्लम आती है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना प्रॉब्लम आती रहेगी, फिर आपको एक दिन आदत पड़ जाएगी, फिर आप बोलोगे नहीं प्रॉब्लम, आप बोलोगे म्यूजिक जब तक सीखेंगे प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, यस उस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है बस वो सॉल्यूशन निकालना है। जब तक हम सीखते रहेंगे प्रॉब्लम ने तो आना, हम वो प्रॉब्लम ही तो एक्चुअली सीख रहे यस हैं। सर एक्चुअली लगता है कि उसको फॉर टाइमिंग तो अभी दूसरे फिंगर्स यूज करके अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा अगर प्ले करना है तो फाइव फिंगर यूज होना ही चाहिए, राइट हाँ सर। उसको ना अभी नहीं, आप दोनों तरीके से करो उसको, पहले बिना फिफ्थ फिंगर के बजा के पहले एंजॉय भी तो करो म्यूजिक थोड़ा, नहीं यस तो सर क्या होगा आप वो मेहनत मेहनत आपके लेवल में जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी, जिसको 1-2 महीने स्टार्टिंग में हुए हैं, उसको जब तक वो थोड़ा एंजॉय नहीं करेगा मज़ा नहीं आएगा बजाने में, यस सर फिर खाली मेहनत 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 करके क्यों क्यों बजा कोई रहे हो हैं, जाता है ना। है यस सर तो थोड़ा बीच उसको एंजॉय भी करना है, फिर बीच में थोड़ी मेहनत करनी है, फिर एंजॉय करना है, फिर मेहनत करनी है, अपने आप को थोड़ा फुसलाना है कि चलो थोड़ा अभी एंजॉय कर लिया, अभी थोड़ा मेहनत, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत है इसके अंदर। यस सर मनीष जी अनम्यूट करिए। सर जो आपने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था जी शार्प कॉर्ड के लिए, तो हाँ मैं भी वो ट्राई कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड से। अनफॉर्चुनेटली वो मेरा जो थर्ड नोट है मैं उसको हायर ऑक्टेव पे आई कांट प्ले इट विद द सेम हैंड, तो एक बार आप अगर मेरे को आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, आप मेरे को कैमरा दिखाओ। सर कैमरा में कुछ दिक्कत है तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, अगर आप थोड़ा अपने कीबोर्ड पे शो कर सकते हैं जी ये शार्प। मेरा आप लेफ्ट हैंड से प्ले कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ ये नॉर्मल जी शार्प होता है देखो कॉर्ड है ना। जी हाँ जी हाँ जी अब आपको ये हटाना है और यहाँ लगाना है ना, कैसे नहीं करना है आपको मैं थर्ड वाली जो है आपकी फिंगर ये? उसको हाँ इसको कर रहा हूँ मैं। यहाँ कर रहे हैं आप, हाँ जी हाँ जी वो गलत है, वो टेक्निक गलत है। हमें ओके नीचे जो सबसे नीचे सबसे लेफ्ट में है उसको उठा के ऊपर लेके जाना है, ओके राइट वाले को नहीं हटाना। ठीक है अगर आप इसको हटाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, बजेगा ही नहीं है खास से, ठीक है ठीक है है गॉट ना। इट हमें हमेशा इस वाले को हटाना है, तो ये इधर आ गया एक हाथ से, फिर इस सबसे नीचे वाले सी को हटाना है, फिर ये ऐसे आ गया ठीक है है ना, ऐसे। ओके गिरीश जी अनम्यूट करिए। सर सेकंड शीट में लास्ट में जो आपने बोला ए माइनर ब्लू स्केल उसका फिंगरिंग पैटर्न कैसा है। एक मिनट, ए माइनर, हाँ ये लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि ये जो पूरा सॉन्ग है ना ये एक्चुअली बेस्ड है इसके ऊपर, ओके ए माइनर ब्लू स्केल के ऊपर बेस्ड है। तो ओके देखो इसमें अगर आपको राइट हैंड से बजाना है तो ये ऐसे बजेगा, 1 2 3 4, ये आप नोट कर लो, 1 2 3 4, साउंड गया सर। तो चेक माइक टेस्टिंग, तो वो ए माइनर पे बेस्ड वो गाना है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा डी शार्प नोट, लेकिन आप देखिए इसके अंदर नहीं है कहीं पे भी डी शार्प, इसमें जी शार्प है। तो ऐसा होता है, वो बेसिक स्केल वही है लेकिन कंपोजिशन में क्या यूज हुआ क्या नहीं हुआ वो डिपेंड करता है, कभी कभी खाली ये 2-3 सुरी यूज होंगे, ये वो भी कोई बात नहीं। ओके
और इस लेसन में किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर से मैं एक बार पूछ रहा हूँ, आप देख लीजिए, ये आपको आप प्रैक्टिस करें तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड में कि ये क्या है, ये कैसे करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी छुट्टी करते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ईयर ट्रेनिंग, यानी कि जो कान से सुन के अपना, जैसे अभी बोल रहे थे ना कि कैसे गाने को सुन के कैसे बजाना, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, गुड नाइट।